गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब लोग? मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और आज है संडे, सो मैं थोड़ा लेट से ही नींद से उठी। आप लोगों को पता है संडे पे मैं थोड़ा लेट से उठती हूँ, और थोड़ा लेट नहीं, आज बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया। मैं अभी 11 बज रहे हैं, अभी उठी हूँ जस्ट। तो कल रात को ना मैं थोड़ा लेट से सोई थी, 2:30 बजे सो गई थी, इस वजह से थोड़ा लेट से आज उठी हूँ। तो आज है संडे, और आप लोगों को तो पता ही है संडे पे हमारे घर पे कुछ ना कुछ स्पेशल तो बनता ही है। सो आज लंच में जो है वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी, लेकिन अभी मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में दीपंकर बहुत दिनों से बोल रहा था कि उसे चिकन सैंडविच खाना है, तो चलिए आज मैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन सैंडविच बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड अमेजिंग बनता है, ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अभी जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी चाय बना लेती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाने का सोचती हूँ, क्योंकि सुबह उठते ही मुझे चाय चाहिए, आप लोगों को तो पता ही है। तो चलो, मैंने चाय चढ़ा दिया है, और ये दूध जब तक उबाल आएगी ना, तब तक मैं बाकी जो सब कुछ ब्रेकफास्ट करने का और ब्रेकफास्ट बनाने का सब्ज़ी वगैरह है वो सब कुछ कट करके रेडी करती हूँ। चलो, मैंने अपना चाय बना लिया, अब इसको पीती हूँ, थोड़ा सा बैठ के चाय पी लेती हूँ। चिकन सैंडविच बनाने के लिए जो जो चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने अनियन को चॉप्ड करके रखा है। वेजिस में सिर्फ यहाँ पे मेरे पास कॉर्न है, अगर आपके पास गाजर वगैरह हो, कैप्सिकम वगैरह हो, वो भी आप डाल सकते हो। चिकन ऑब्वियसली, और इसके अंदर मैंने चीज़ को रखा है, एंड ये मेयोनीज, ठीक है। तो ये थोड़ा चीज़ लगेगा एक सिंपल चिकन सैंडविच बनाने के लिए। अब मैं सबसे पहले स्वीट कॉर्न को और चिकन को बॉईल कर लूँगी, एक ही साथ मैं बॉईल कर लेती हूँ। तो ये देखो, चिकन और बेबी कॉर्न बिल्कुल बॉईल हो गई है बहुत अच्छे से। ये देखो, इसे आप हाथ से भी तोड़ सकते हो, इतना ज़्यादा सॉफ्ट हुई है। चिकन बॉईल होने में ना ज़्यादा देर नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैंने 15-16 मिनट्स के लिए अच्छे से बॉईल किया है। अभी मैं क्या करूँगी पता है, चिकन को जो है इस तरीके से हाथ से तोड़ लूँगी, इस तरीके से। आप चाहो तो फोर्क का भी यूज़ कर सकते हो इसे तोड़ने में, बट हाथ से बहुत जल्दी हो जाता है मुझे लगता है, तो इस तरीके से आपको हाथ से तोड़ना होगा, ठीक है। ये देखो, चिकन को मैंने बहुत अच्छे से तोड़ लिया है, और ये देखो चिकन से बोन्स निकली है। ये बोन्स को आपको नहीं देना है, इसको अलग से रख देना है, ठीक है, मतलब इसको फेंक देना है। अच्छा, अब देखो, जो अनियन मैंने चॉप करके रखे थे ना, उसको मैं थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी। रेस्टोरेंट में क्या करते हैं, अगर आप सैंडविच वगैरह खाते हो ना, तो देखोगे जो मतलब अनियन वगैरह है वो थोड़ा सा रॉ रहता है, लेकिन मुझे वो रॉ जो स्मेल है अनियन की वो पसंद नहीं है, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा सॉटे कर लेती हूँ। तो देखो, यहाँ पे मैंने पैन गरम होने के लिए रखा है, एंड इस पर मैंने 1 चम्मच बटर ऐड कर दिया है, ठीक है। बटर को अच्छे से मेल्ट कर लूँगी, और अब ये मैं इसके अंदर अनियन डाल दूँगी। फ्राई नहीं करनी है, बस थोड़ी देर के लिए इसको सॉटे करनी है, ताकि जो एक रॉ स्मेल होती है ना, वो थोड़ी सी चली जाए। ये देखो, ये कितने अच्छे से थोड़ा सा सॉटे हो गया है, अब इसको मैं एक प्लेट में ले लेती हूँ। तो देखो, एक बोल पे मैंने जो अनियन को सॉटे किए थे ना, वो मैंने ले लिया है, और अभी जो चिकन एंड स्वीट कॉर्न मैंने बॉईल किए थे उसको भी इसके अंदर मैं डाल दूंगी। बोल के अंदर आप अच्छे से मिक्स कर सकते हो चीज़ों को, इसलिए मैं हमेशा बोल पे ही करती हूँ। देन मैंने यहाँ पे मेयोनीज़ लिया है, आप किसी भी ब्रांड का मेयोनीज़ इसमें यूज़ कर सकते हो। मैं 3 टेबल स्पून की करीब करीब लूँगी, और अगर आपको मेयोनीज़ पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा स्टफिंग जो है क्रीमी टेक्स्चर वाला
पसंद है, इस वजह से मैं मेयोनीज़ ऐड करती हूँ और खाने में अच्छा भी लगता है। ठीक है, अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। देन यहाँ पे देखो, मैंने पहली चीज़ को ग्रेट करके रखा था, मैंने यहाँ पे अमूल चीज़ का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद जो नॉर्मल स्लाइस ब्रेड आती है ना, उसमें मैं इस स्टफिंग को अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। अगर आपके पास सैंडविच ब्रेड हो उसका भी आप यूज़ कर लो, उससे थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनता है सैंडविच। अगर नहीं है तो इस तरीके से जो नॉर्मल ब्रेड आती है उसका यूज़ कर सकते हो। स्टफिंग को अच्छे से मैंने स्प्रेड कर देने के बाद यहाँ पे मैं चीज़ को भी अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। देन एक और ब्रेड लेके इस तरीके से मैं दोनों को बंद कर दूँगी। तो इस तरीके से मैं 3-4 बना लेती हूँ। उसके बाद ये ग्रिल मशीन है, मेरे पास था, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको फ्राई पैन में भी कर सकते हो, वो भी अच्छा लगता है। अच्छे से तवा गर्म हो जाने के बाद या फिर फ्राई पैन गर्म हो जाने के बाद इसमें थोड़ा सा बटर से स्प्रेड कर देना, तो ये जलेगा नहीं और अच्छे से ग्रिल भी होगा। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी खा सकते हो, और अगर ग्रिल सैंडविच पसंद है तो ग्रिल भी करके इस तरीके से खा सकते हो। मुझे दीपंकर को ग्रिल किया हुआ ज़्यादा पसंद है, इससे चीज़ मेयोनीज़ जो है वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। और यहाँ पे देखो टेस्टी टेस्टी बन के रेडी है। खाओ खाओ कैमन हो, अब खा के बताओ कैसा है। गुड, 5 में 4.5 मिला। 4.5 क्यों, 5 क्यों नहीं? बाकी 5% इसीलिए ताकि आप बहुत लेट करके बनाए कि बहुत लेट करके बनाए। ठीक है, तो चलो हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन सैंडविच बिल्कुल बन के रेडी है, अभी मैं इसे खाने वाली हूँ। तो जरूर ट्राई करना और दीपक का जो रिव्यू देगी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो चलिए अभी मैं खाती हूँ। जैसे मैंने पहले ट्राई कर लिया था, ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कर रही हूँ। फीलिंग कितनी अच्छी लग रही है ना। काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है और जो मेयोनीज एंड चीज़ है वो बिल्कुल मेल्ट हो गई है। फीलिंग काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी है। ज़रूर घर पे ट्राई करके देखना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी बनती है एंड बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मेरी अभी रूम की हालत देखो, देखकर ही ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या बताओ। कहीं घूमने जाती हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घूम के आने के बाद जो काम करना पड़ता है वो माय गॉड, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, इतना सारा काम रहता है। ये देखो, हम दार्जिलिंग से कोलकाता वापस आए थे परसों, ठीक है, और कल मैंने ये सब कपड़े धोए थे। अभी भी पूरा एक ट्रॉली भर के कपड़ा है हमारे पास धोने के लिए, मतलब मेरे पास धोने के लिए। धीरे 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 करके धोऊंगी, एक साथ नहीं कर सकती हूँ। एंड घर का हालत तो मैंने दिखा ही दिया। और आज मॉर्निंग में थोड़ा लेट से उठी थी, इस वजह से उठ के बिस्तर भी मैं क्लीन नहीं कर पाई, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करने चली गई। ब्रेकफास्ट में ज़्यादा लेट हो जाता है तो लंच बनाने में भी मेरे सासू माँ को लेट हो जाता है, खाने में भी लेट हो जाता है, तो जल्दी जल्दी चली गई। अभी मैं सब कुछ क्लीन करूँगी। एंड यहाँ पे देखो, 5 दिन के लिए गए थे हम, कितना ज़्यादा धूल जम गया है हर एक जगह पे। इसको मैं अभी डीप क्लीन करने वाली हूँ पूरा घर को। हर वक्त तो ऐसा मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं घर को अच्छे से सजा के ठीक ठाक करके रखूँ। जितना डेली करती हूँ वो तो करती हूँ, लेकिन वो जो है ना डीप क्लीन, वो सिर्फ मैं संडे को करती हूँ, क्योंकि संडे एक ऐसा मेरे पास क्या बोलूँ डे है जिसमें मैं थोड़ा सा फ्री रहती हूँ और ये सब घर वगैरह अच्छे से क्लीन कर पाती हूँ। तो चलो अभी जल्दी जल्दी क्लीन कर लेते हैं, ज़्यादा बात करती रहूँगी तो लेट हो जाएगा। Thank you.
रहे हैं दोपहर के 2:45। आज लंच करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई क्योंकि मैंने ये घर जो है सब कुछ क्लीन क्लीन किया, नहाई तो थोड़ा सा लेट हो गया और घर मेरा सबका लंच हो गया है, सिर्फ मैं ही अभी बची हूँ। मैंने सबसे लास्ट में नहाने गई थी। तो चलिए अब मैं एक झलक आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आज क्या क्या बनी है। मेरी सास ने यहाँ पे थाली परोस के रखा है, नॉर्मल राइस, आलू फ्राई जो कि मेरी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है, और ये है बैगन और नीम के जो पत्ते होते हैं ना उससे एक मतलब फ्राई जैसा कुछ किया है। ये घी से खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, मतलब लगता है। दाल और जो स्पेशल आइटम आज बनी है ना वो है ये फिश पतूरी इसे बोलते हैं, लेकिन कौन से फिश से बनाया जाता है ये मुझे नहीं पता। तो चिकन जो है, कल सैटरडे थी तो कल बनी थी हमारे घर पे चिकन, इस वजह से आज चिकन मटन का कोई झमेला नहीं है बस। और सुबह भी सैंडविच खाई थी, चिकन सैंडविच। तो अभी इतना ही है लंच। तो चलिए पेट में मेरी चूहे दौड़ रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी अपना लंच कर लेती हूँ, देन आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। सो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। मैंने लंच करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी एंड चलो अभी मैं बनाने जा रही थी चाय। शाम हो गई है, चाय पीना ज़रूरी है, तो चलिए अभी चाय बनाने जाते हैं। और दोपहर को ना मतलब इतना ज़्यादा भूख लगी थी तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया। एंड मैंने आप लोगों को कहा भी था कि ठंडे में मैं कुछ डाइट वगैरह कुछ भी फॉलो नहीं करती हूँ, दोपहर को लंच भी करती हूँ और रात को डिनर भी करती हूँ, जो जो घर पर बनता है सब खाती हूँ, कुछ भी नहीं मानती हूँ, सिर्फ संडे को ही। और वैसे भी अभी कुछ दिनों से माना भी नहीं हो रहा, क्योंकि दादी नहीं गई थी वहाँ पे जाके तो सब कुछ खराब हो ही गया। चलिए पहले अभी चाय बना लेती हूँ, देन आप लोगों से फिर से बात करते हैं। तो चलो मैं अपनी चाय लेके आ गई एंड एक चीज़ दिखाती हूँ। ये जो कुकीज़ है ना, वो जो हमने दार्जिलिंग से ख़रीदी थी वो वाली कुकीज़ है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हो लाइट है, एकदम लाइट वेट है। तो आज हम दार्जिलिंग की कुकीज़ के साथ चाय पीने वाले हैं। तो अभी मैं और दीपंकर देख रहे हैं कि वेब सीरीज, क्या नाम है इसका, इस वेब सीरीज का क्या नाम था, नाइट मैनेजर। हाँ अभी तक तो अच्छी जा रही है। तो अभी बज रहे हैं रात के 11:30। मैं अभी डिनर बनाने आई हूँ, घर के सभी बाकी लोग डिनर कर चुके हैं, मैं और सिर्फ दीपंकर सिर्फ बाकी है एंड हम लोग रात में सिर्फ ये मैगी खाने वाले हैं। तो क्या बोल रही थी, वेब सीरीज़ देखते देखते इतना ज़्यादा लेट हो गया। क्या होता है, मूवी से बहुत ज़्यादा अच्छा है, मूवी 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाता है, लेकिन वेब सीरीज मतलब एक एक वेब सीरीज में कम से कम 4-5 से 6 एपिसोड रहता है, 40 मिनट 45 मिनट्स करके, तो वो देखते देखते ना टाइम निकल ही जाता है। और मतलब वेब सीरीज ऐसा होता है कि आप बीच में छोड़ भी नहीं सकते हो, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट, नेक्स्ट क्या होगा वो वाली फीलिंग आती है। तो ये ऐसा करते करते लेट हो गया, तो चलिए अभी मैं मैगी बना लेती हूँ। तो गाइज़ ये देखो मेरा मैगी बिल्कुल बन के रेडी है। आज मैंने थोड़ा सा सूपी काइंड ऑफ मैगी बनाया है, हर वक्त वो फ्राइड मैगी खाना, मसाला मैगी खाना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करना चाहिए। तो इसको मैं अपने एक बोल में डाल रही हूँ और इसी के साथ आज का ये व्लॉग मैं एंड कर रही हूँ। होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पे 1 लाइक ज़रूर कर देना एंड मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को मेरी व्लॉग्स कैसी लगती है।